हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया हूँ। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस एक बराबर कॉसेक स्क्वायर ए को कैसे सिद्ध किया जाता है। 10th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कॉट स्क्वायर ए प्लस एक बराबर कॉसेक स्क्वायर ए को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मान लेंगे कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। हमने क्या मान लिया बेटा कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो जिस प्रकार से हम बना रहे हैं इसी प्रकार से आपको भी एक समकोण त्रिभुज बनाना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे सर्वसम का हमें जिस न्यून कोण के सापेक्ष सिद्ध करनी हो उसको हमेशा यहाँ पे लिखेंगे। तो ए बी और सी और कोण बी कितना है बेटा 90 डिग्री का है। और हम सब जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है इसको कर्ण बोलते हैं। न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं और बची हुई जो तीसरी भुजा है इसको आधार बोलते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किसको कर्ण नाम देना है, किसको लंब नाम देना है और किसको आधार नाम देना है। अब हमें इस समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है। तो बेटा समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग अनदो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ पे कर्ण क्या है बेटा AC, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है BC, तो BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB स्क्वायर। तो आधार AB है तो AB स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है कि इन तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा के वर्ग का इन सभी पदों में भाग देना है। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भुजा के वर्ग का भाग देना है, तो उसके लिए हम अपनी सर्वसमका को देखेंगे और इसमें टेन और कौशिक का प्रयोग किया गया है। तो हम जानते हैं कि जो कॉट है कॉट का अनुपात होता है आधार बटे लंब। क्या होता है बेटा आधार बटे लंब। और कौशिक का अनुपात होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है बेटा कर्ण बटे लंब। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बटे में क्या है लंब है। दोनों के बटे में क्या है लंब है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लंब के वर्ग से सभी भुजाओं को भाग करने वाले हैं। और लंबे क्या है बेटा BC है, तो हम लिखेंगे BC स्क्वायर से सभी पदों में भाग करने पर, तो क्या बन जाएगा हमारा AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अभी अलग अलग वर्ग है तो हम एक साथ कर लेंगे। तो AC बटे BC का होल स्क्वायर और यहाँ पे BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कटेगा तो एक हो जाएगा, और प्लस AB बटे BC का
होल स्क्वायर। और डायग्राम के अनुसार आप देख सकते हैं कि AB का मतलब हो गया AC, AC का मतलब हो गया कर्ण, और BC का मतलब क्या है, लंब। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर बराबर A प्लस AV का मतलब है आधार, तो आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि कर्ण बटे लंब होता है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर A। और इस प्रकार से हम इस सर्वसमका को सिद्ध कर सकते हैं।